हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताकिनो.com। गीताकिनो.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थानी प्याज की कचौड़ी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी बहुत सुंदर होती है, बहुत ही खस्ता होती है। तो आइए बनाते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंद के रखेंगे। तो ये मैंने 2 कप मैदा लिया है, इस कप से मेजरमेंट लिया है। इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि नमक हम स्टफिंग में भी डालेंगे। 1/3 कप ऑयल, 1/3 कप इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए, हमें इसे इस तरीके से मलना है, सारा तेल मैदे में मिलाना है। जो तेल है वो मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। आप इसे ऐसे मसल भी सकते हैं, चाहे तो दोनों हाथ का यूज़ करें। देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से तेल मिक्स हो जाना चाहिए। ये थोड़ा तेल यहाँ बचा है, मैं इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने तेल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और अगर आप इसको हाथ में दबाएंगे तो ये अच्छी तरीके से बन जाएगा। इसका मतलब हमारा तेल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और बिल्कुल सही मात्रा में पड़ा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो हमें मीडियम डो तैयार करना है और अब इसको हम ढक के रख देंगे। चाहे तो आप गीले कपड़े से ढक कर रख दें या फिर किसी ढक्कन से, ताकि ये ऊपर से सूखे ना। और अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, क्योंकि ये प्याज की कचौड़ी है इसलिए हम प्याज ज़्यादा डालेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 उबले हुए आलू मीडियम साइज के लेने हैं। इन्हें हम छिलकर मैश कर लेंगे। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमने मैदे में भी डाला था इसलिए हम यहाँ पे नमक थोड़ा कम डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून चाट मसाला। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो यहाँ पे आप आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए हम गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो गया, इसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, हींग डाल देंगे। जीरे का कलर चेंज होने पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। स्वाद अनुसार, ध्यान रहे कि हमने मैदे में भी नमक डाला है तो इसमें हम थोड़ा कम ही डालेंगे। अब प्याज को भून लेंगे थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। इसे हमें हाई फ्लेम पे ही भूनना है। प्याज का कलर चेंज हो गया, इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला, चाट मसाला, सौंफ पाउडर, और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें हम अपने मैश किए हुए आलू डाल देंगे। आलू को हम इस मिक्सचर में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस को मीडियम पे कर देते हैं तब तक। ये देखिए, मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है और अब हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। हम गैस बंद कर देते हैं।
और इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। अब हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम मैदा को निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे मैं एक प्लेट में रख लेती हूँ, छोटी प्लेट में। और इसे हटा देते हैं। ये देखिए, और हमारा मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, इसे भी रख लेते हैं साइड में। ये मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, इसके अंदर हम 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। ये मैं तेल में ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया है, इसे हम मिक्स कर देंगे और एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, इसे हम साइड में रख देते हैं और कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा का पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, इतना बड़ा साइज लेंगे और इसे हम पहले बेल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे इतना बड़ा बेल लिया है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे। ये हम स्टफिंग लेंगे और इसके बीच में रख देंगे। मैं करीब 2 चम्मच ले रही हूँ और इसे हम चारों तरफ से बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे। आप इस तरीके से भी कचौड़ी बना सकते हैं। और मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताना चाहती हूँ, वो भी बता देती हूँ। इसे हम रख देते हैं। दूसरे मेथड के लिए भी हम इसी तरीके से पेड़ा बनाएंगे। ये देखिए, मैंने पेड़ा बना लिया है। अब इसे हम बेल लेते हैं, जैसे रोटी बेलते हैं उतना ही बड़ा साइज रखना है। ये देखिए, मैंने इसे रोटी की तरह बेल लिया है बड़ा सा। और इसके ऊपर अब हम जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। फैला देंगे इसे। अब इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे, हाफ, पूरा नहीं फोल्ड करना है। और ये दूसरी साइड से भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और फिर से हम इस पे पेस्ट लगा देंगे। आधे पे लगाना है, पूरा नहीं लगाना है। कैसे हम इसे एक साइड से और फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर देंगे। इस साइड भी लगा देते हैं हम थोड़ा सा पेस्ट, हल्का सा, और यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। अब इसे हम थोड़ा दबाकर फिर से बेलेंगे। ये मैंने इसे दबा लिया, अब फिर से हम इसे बेलेंगे। हमें इसे स्क्वायर शेप में ही बेलना है।
ये देखिए हम इसे बड़ा सा बेल लेंगे और इसे स्क्वायर शेप में ही बेलेंगे। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे बेल लिया। अब इसके अंदर हम स्टफिंग डालेंगे 2 चम्मच। और इसके कॉर्नर्स को पकड़कर हम जोड़ देंगे इस तरीके से। और यहाँ से भी हम इसे पकड़ लेते हैं, इसको इस तरीके से खोलकर ये हमने पकड़ लिया। अब जो इसके एंड्स है इन्हें हम दबा देंगे इसी तरीके से, दूसरी साइड से भी दबा देंगे। और ऐसे हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए, और यहाँ से भी इसके दोनों एंड्स हम इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ से भी जोड़ देंगे। ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से जोड़ दिया है। अब इसके बाद हम इनके कॉर्नर्स को जोड़ेंगे इस तरीके से, दोनों कॉर्नर्स को मिला देते हैं और इधर से भी जोड़ देते हैं। इन चारों कॉर्नर्स को हम लाके एक साथ मोड़ देंगे इस तरीके से, और ये हमारी कचौड़ी रेडी हो गई है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। और जो मेथड आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे इन्हें तलने के लिए। हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें कचौड़ी डाल देते हैं। और एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैं एक एक ही तल रही हूँ एक बार में, बहुत आराम से डालेंगे। मुझे इसमें जगह दिख रही है तो मैं एक और डाल देती हूँ, पर ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम कम डालेंगे, नहीं तो हमारी कचौड़ियाँ फट जाएंगी। अब हम गैस को धीमी आंच पे कर देंगे, नहीं तो हमारी कचौड़ी खस्ता नहीं बनेगी। अब हम इसे धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। मैंने इन्हें बिल्कुल धीमी आँच पे तला है, नहीं अगर हम इन्हें तेज आँच पे तलेंगे तो ये खस्ता नहीं बनेंगी। ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और बाकी की कचौड़ियाँ भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज की राजस्थानी कचौड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। बहुत अच्छी बनी है, बहुत खस्ता है, बहुत अच्छी शेप भी आई है, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। और मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया है, जिसकी रेसिपी आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। इस चटनी को हम सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे आलू की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, उसकी रेसिपी भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।